हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विंकी आर्या और आज मैं आप लोग साथ इस जेल की पूरी डिटेल शेयर करूंगी, हाइली जेल की पूरी डिटेल शेयर करूंगी और डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी वो लिंक जहां से आप लोग खरीद पाए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको अमेजोन से खरीदा था, तो मैंने अमेजोन का लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग चेकआउट करते रहिएगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है हर टाइम। और आप लोगों का यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये हमें मिल नहीं रहा है, ये बार बार खत्म हो जा रहा है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको विशलिस्ट में डाल दीजिए, जब भी अवेलेबल होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं डेफिनेटली, बट मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बता रही हूँ। आज मैं इसके मेन मुद्दों के बारे में बात करूंगी। मैंने ये जेल आप लोगों को सजेस्ट तो कर दिया था, लगाना भी बता दिया था, लेकिन फिर भी इतनी सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की कि कैसे यूज करना है। लोग तरह तरह की क्रीम का नाम ले रहे हैं, देन उसमें मिक्स कर ले, इसमें मिक्स कर ले, इतनी सारी चीजें लोग बोल रहे हैं। तो इवन मुझे भी डर लगने लगे कि पता नहीं आप लोग किस चीज में मिक्स करके लगा लोगे कि आपको रिएक्ट ना कर जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, तो आज हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपके स्किन को डीपली नरिश करता है, स्किन को इनहेंस करता है, ग्लो लाता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और आपके स्किन के विद इन जाके आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग की जो समस्या होती है उसको ये कम कर देता है। और रातों रात कुछ नहीं होगा, एक बार लगा के रातों रात आप ग्लोइंग नहीं हो जाएंगे, एक ही दिन में आपके सारे स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट एक ट्यूब तो लगाइए आप, कम से कम आप महीना डेढ़ महीना इसको दीजिए, तब जाके आपको स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूव, सारी चीजें में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इवन दो मेरा मत मानिए, आप लोग खुद गूगल सर्च कीजिए, सब कुछ कीजिए, आप उसके बाद ही चीजें खरीदिए। मैं कोई बेच नहीं रही हूं इस प्रोडक्ट को, और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप हर दिन नया प्रोडक्ट लेके आते हो। जी नहीं, फुल डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को बेच नहीं रही होती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन रिव्यू मैं शेयर कर रही होती हूँ, जो आप लोग चाह रहे होते हैं मुझसे, आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है, इसलिए मैं रिव्यू शेयर करती हूँ कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर बार की तरह 4-5 रिव्यू देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो ले लीजिए। प्रत्येक यूट्यूबर उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये कंपनी भी मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी इसको बनाती है, क्योंकि मैंने नाम पहली बार सुना। डेफिनेटली मैंने इसको बहुत ज्यादा सर्च किया था, उसके बाद मैं इस तक पहुंची थी और उस दिन का तो मैं बिल्कुल अपने लिए लकी मानती हूँ। अब देखिए मेन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, हाइल्यूजेल कैसे लगाना होता है। हाइल्यूजेल जो है वो आपको फेस वॉश करने के बाद, आप अपने कोई भी सीरम लगा लीजिए, विटामिन सी जस्ट आप फेस वॉश के बाद हल्के से डैम्प फेस पर लगाना होता है विटामिन सी। अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, मैं नहीं कह रही कि मेरी देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। जो विटामिन सी होता है जस्ट फेस वॉश डैम्प फेस पर लगाना होता है, जो कि वो स्किन के अंदर इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप अपना हाइल्यूजेल निकालिए, थोड़ी सी अमाउंट, पी साइज अमाउंट लीजिए, लाइक सो। मैं इसकी ट्यूब की पैकेजिंग थोड़ी ऐसी है कि फटाक से निकल जाता है, मैं आपको दिखाती हूं। सिर्फ इतनी ही अमाउंट लेनी होती है और आपको क्या करना है, आपको इवनली स्प्रेड कर देना है पूरे फेस पर। जिनको आंखों के पास ज्यादा रिंकल्स है वो आंखों के पास अच्छे से लगाए, एंड देन आपको अच्छे से मसाज कर लेना है स्किन के अंदर। जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इतना ही करना होता है हाइलोजेल के साथ। या फिर आप इसको किसी भी, मेरे बाल खराब हो गए, या फिर आप इसको किसी भी जेल के अंदर, एलोवेरा जेल, योर फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो आप दिन में मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसमें हल्का सा मिक्स करके लगा सकते हैं, ताकि आपके स्किन के डीप विद इन जाएगा तो स्किन के अंदर नरिशमेंट लाएगा, पेनिट्रेट अच्छे से होगा और जो आप मॉइस्चर लगाते हैं उसको लॉक कर देगा ये, ठीक है। इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर में मिक्स करने के लिए कहा था। अब किस चीज में, बस इतना ही करना है आप लोगों, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। रात के टाइम में अपने नाइट क्रीम में हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब बात आती है क्रीम्स, मॉइस्चराइजर डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट थिंग होता है। अब लोग बात कह रहे हैं इसको कोजिक एसिड के साथ लगा ले, नहीं, इसको कोजिटिन जेल के साथ लगा ले, नहीं, इसको हम बीबी क्रीम के साथ लगा सकते, जी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको इस क्रीम के साथ लगा ले, मतलब बहुत सारी डीमलाइन क्रीम के साथ लगा ले, नहीं, हाइड्रोक्लोरिन क्रीम के साथ लगा ले, नहीं, कोई आयुर्वेदिक क्रीम उसके साथ लगा ले, नहीं, ऐसे किसी भी क्रीम के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। इवन इसको डे क्रीम के साथ भी मिक्स नहीं करना है। ये एसिड दूसरी क्रीम के साथ जाके कैसे रिएक्ट करेगा आपको नहीं पता, है ना, इसलिए एक सिंपल और आसान चीज बताई थी मैंने, एलोवेरा जेल या फिर नीम जेल।
आप उस जेल के अंदर इसको मिक्स करके लगाइए और बस खुश हो जाओ, क्योंकि आपके स्किन को नरिशमेंट दे रहा है। मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन को नरिशमेंट देता है, ये आप किसी में मिक्स करके लगाएंगे तो नरिशमेंट मिलेगा, मॉइस्चर को ये लॉक करेगा। इससे ज्यादा आप किसी भी क्रीम के अंदर नहीं, सेपरेटली यूज करें। अगर आपको दिन में ये, अब आप लोग बोल रहे हैं, कई का क्वेश्चन ये कि कोजिटिंग जेल मैं रात को यूज करती हूँ तो मैं रात को इसको कैसे यूज करूँ, मत यूज करो, आप दिन में यूज करो, मत करो साथ साथ यूज, या फिर आप इसको यूज कर लो, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज हो जाए, देन उसके बाद आप यू नो अपनी कोजिटिन जेल वगैरह यूज कर लेना 20-30 मिनट के बाद। एग्जैक्टली सेम सेम मिक्स मास्क करके नहीं लगाना होता किसी को इसके साथ। बहुत सारे नहीं, एक दो लोग ऐसे बोल रहे पिंपल्स हो गए, तो देखिए सारी चीजें सब पर सूट नहीं कर रही होती है, क्या पता आपको ये सूट ना कर रहा हो, तो जिन भी एक दो लोगों को ये सूट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिंपल्स होते नहीं है, देखो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ लो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको इन द केस हो जाते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, 225 रुपए की क्रीम है, आपने कोई महंगी क्रीम भी तो लगा ली होगी ना, गालियां बकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप खुद देखें। और मैं दूसरी बात ये भी बता देती हूँ, किसी को एक पिंपल, जैसे मेरे को यहाँ पे पिंपल हो गया एक, तो मेरे को इससे थोड़ी हुआ है, नॉर्मली हो जाते हैं पिंपल्स ना, एक दो पिंपल्स होना आम बात है। अगर कोई चीज आपको रिएक्ट करती है तो वो एलर्जिक रूप पे रिएक्ट करती है, पूरा चेहरा भर जाएगा आपका, या पूरे चेहरे पर रैशेज हो जाएंगे, पूरे चेहरे पर छोटे छोटे स्मॉल बम्प्स हो जाएंगे, अगर कोई चीज रिएक्ट करती है तो पोर्स बड़े हो जाएंगे आपके, वो उस तरीके से रिएक्ट करती है। ऐसे नहीं कि आपको एक पिंपल हो गया और आप नीचे गाली लिखना स्टार्ट कर देंगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। और मैंने झूठ नहीं बोला है, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बोला ना, आप मेरी मत मानो, आप आर्टिकल्स जाके पढ़ो, आप वेबसाइट्स चेक करो, और ये तो सस्ता है इसलिए बहुत महंगा हर्डल, आप वो भी इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड ही डाल रहे होते हैं, तो आप 4000 आपके पास है तो आप 4000 हर्डल आबो ले लीजिए, वो भी वही काम कर रहा होता जो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अपनी इंडिया की चीजें आप लगाइए आराम से। और ये थे पूरे क्वेश्चंस, अगर आप भी बार बार मुझे क्वेश्चन करोगे कि मैं इसमें मिक्स करके लगा लूं, उसमें मिक्स करके लगा लूं, तो जी नहीं, जिसमें मैंने बताया उसी में मिक्स करना है, किसी अन्य चीज में आपको मिक्स नहीं करना है। आप एज अ प्राइमर भी इसको यूज कर सकते हैं, ये छोटा सा टिप था, क्योंकि आपके पोर्स को बंद कर देता है ऊपर से जब इस जेल को लगाते हैं आप। तो जिनको भी जेल पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अब अपने रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज मुझे बताते रहिए, और डेफिनेटली आप लोग मेल भी सेंड कर सकते हैं मुझे, नीचे मैं मेल आईडी दे देती हूँ, तो मैं रिप्लाई मेल का जल्दी कर देती हूँ। जिन लोगों को भी क्वेरी होती है स्किन रिलेटेड तो मैं जल्दी मेल का रिप्लाई कर देती हूँ, तब तक के लिए।